साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। साथियों कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आदिकालिक स्वतंत्र साहित्य। देखो हमने पहले पढ़ा राष्ट्र साहित्य, फिर राज साहित्य, फिर नाथ साहित्य हम लोगों ने पढ़ा है, सिद्ध साहित्य। अब उसके बाद में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आदिकालिक स्वतंत्र साहित्य। और उसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो है लौकिक पद्य साहित्य। अब लौकिक पद्य साहित्य में कितने राइटर, कौन कौन सी रचनाएं मुख्य रूप से रही है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारी मुख्य रचना डोला मारूरा दोहा। कौन सी रचना है? डोला मारूरा दोहा। इस रचना के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। पूरा का पूरा वीडियो जो है वो डोला मारूरा दोहा रचना पर ही आधारित रहेगा साथियों। बाकी की रचनाएं हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। साथियों अगर पहली बार आपने विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस दोस्त को मोटिवेशन दान कीजिए। देखिए पहली रचना, आदिकाल में स्वच्छंद रूप से लौकिक विषय के रूप में लिखी गई रचनाएं ये लौकिक पद्य साहित्य रचना कहलाती है। अब डोला मारूरा दोहा में जो लेखक रहे हैं वो है कवि कल्लोल व कुसल्ला। अब यहाँ पर दोनों लेखक के नाम आए हैं, एक तो है कवि कल्लोल और एक है कुसल्ला, दोनों ही इसके राइटर रहे हैं। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि 1473 ईस्वी में तो कवि कल्लोल ने लिखा इसको और 1561 ईस्वी में कुसल्ला के द्वारा लिखा गया इसको। दो बातें हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, 1473 में तो कवि कल्लोल ने लिखा और 1561 में इसको कवि कुसल्ला के द्वारा लिखा गया है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अब डोला मारूरा दोहा जो रचना रही है उसके राइटर हमें याद होंगे कवि कल्लोल व कुसल्ला रहे हैं। 1473 में कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया, 1561 में कवि कुसल्ला के द्वारा लिखा गया है। अब इसकी जो भाषा शैली है, किसकी? डोला मारूरा दोहा किस भाषा शैली में लिखा गया? डिंगल भाषा शैली में, यानी कि पिंगल का इसमें नाम नहीं है। किसमें लिखा गया है इसको? डिंगल भाषा शैली में लिखा गया है, जो वीर रस प्रधान कविता मानी जाती है। संपादन जो किया है 1934 में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका संपादन किया गया है। मतलब इसको प्रकाशित करना, इसको लिख, इसको मतलब प्रिंट करवाना, इसको संपादित करना, सारा का सारा जो काम है वो हमारी नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा आप लोग 1934 में। अब इसमें योगदान देने वाले विद्वान कौन कौन से रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है राम सिंह जी, फिर सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी। ऐसा नहीं है कि कवि कल्लोल और कुसल्ला के द्वारा इसको लिखा गया है तो इसमें इनके द्वारा ही संपूर्ण कार्य किया गया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे विद्वान रहे हैं जिनका भी योगदान इसके अंतर्गत रहा है, और वो है राम सिंह, सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी। इन राइटर्स का भी योगदान इसमें रहा। इसके प्रमुख जो पात्र हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है कि डोला मारूरा दोहा का जो नायक और नायिका कौन कौन है, ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है और अनेक बार पूछा जाता है, और एक इसके लेखक का नाम पूछा जाता है। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, एक तो इसके लेखक कौन है और एक इसमें नायक और नायिका कौन है, ये क्वेश्चन अनेक बार इसके अंतर्गत पूछा जाता है। तो देखिएगा इसके जो नायक हैं वो है राजकुमार ढोला, जो कछवा वंश के थे और जयपुर के रहने वाले थे। राजकुमार ढोला जो है इसके नायक थे और ये जयपुर कछवा वंश से संबंधित रखते हैं। इसकी जो नायिका है वो मारवणी है और ये पूंगल बीकानेर की रहने वाली है। मारवणी का जो संबंध है वो कहाँ से? पूंगल से है। पूंगल कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है, और ये इसकी नायिका है। तो नायक कौन है? राजकुमार ढोला है, और नायिका कौन है? मारवणी है, जो मारवणी पुंगल बीकानेर से संबंध रखती है। तो साथियों ये इस तरह से अगर पूरी रचनाओं को पढ़ा जाए तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कहीं बाहर चला जाए।
ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अगली बात आती है राहुल वेल के रचयिता रोड़ा कवि। राहुल वेल के जो रचयिता है वो कौन है, नक्षिक वर्णन इसमें किया गया था, आप सबको पता होगा। तो राहुल वेल के जो रचयिता है वो रोड़ा कवि है, ये भी बात आपको याद होना चाहिए। से इन्होंने प्रेम वर्णन की जो प्रवृत्ति आरंभ हुई है उसको चरम उत्कर्ष ढोला मारवा दोहा में देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कि राहुल वेल जो रचना है उसकी कवि जो है, उसके राइटर जो है रोड़ा कवि रहे हैं। इस रचना के अंदर जो प्रेम वर्णन की जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिली, इस रचना के अंतर्गत जो प्रेम वर्णन की जो प्रेम का जो वर्णन इस रचना के अंतर्गत किया गया है उसका जो चरम उत्कर्ष रहा है, उसकी जो बहुत ऊंचाइयों तक की जो बात रही है, वो सारी की सारी बातें हमें जो है डोला मारुरा दोहा कवि कल्लोल या कुशल लाभ के इस रचना में देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए साथियों, ठीक है। अब आगे है, ये प्रेम गाथात्मक काव्य है, कौन सा काव्य माना गया है, कौन बताओ, डोला मारुआ दोहा जो रचना है ये प्रेम गाथात्मक काव्य है, यानी कि इसके अंतर्गत प्रेमात्मक भाव को रखा गया है। अब यार नायक और नायिका है तो फिर तो प्रेम गाथात्मक श्रृंगार रस की प्रवृत्ति इसमें रही है, 100% आपको इसको मानना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं, मूल रूप दोहों में मिलता है, इसके जो दोहे हैं उसमें मूल रूप देखा जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मूल भाव है वो इसके दोहों में छुपा हुआ है। और जब आप सबको पता है जब प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है तो श्रृंगार रस तो अछूता रह ही नहीं सकता, इसलिए इसमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता देखने को मिलती है। इस परंपरा को बिहारी के काव्य में देखा जाता है, बिहारी के काव्य में जो देखा गया है वो डोला मारुरा के दोहों में भी देखा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब इसकी प्रसिद्ध पंक्ति रही है, सोरटियो दोहो भलो भली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। तो ये पंक्ति भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसी की ऐसी पंक्ति उठ करके आ जाती है और ये कहा जाता है कि ये किस रचना से संबंधित है या ये किस राइटर के द्वारा लिखी गई रचना से संबंधित है। तो सोरटियो दोहो भलो भली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात, इसकी ये प्रसिद्ध पंक्ति रही है साथी, तो आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने इस काव्य भाव के गंभीर को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है, याद रखिएगा आप लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों के द्वारा इस दोहा यानी कि डोला मारवा दोहा जो रचना है इसके गांभीर्य को समझा और काव्य भाव को समझ करके इसके परिष्कृत लोक रुचि को इसका प्रतीक माना है इन्होंने। तो साथियों ये डोला मारवा दोहा जो रचना है परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की रचनाएं हम लोग इस अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं साथियों, और साथियों मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत बढ़िया ये बातें लगती होगी, मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा मैं आपको एक ऑथेंटिक चीज़ में आपको यहाँ प्रदान करूँ, आप नोट्स बनाते रहिए, धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी वीडियो का टाइम थोड़ा छोटा है, हम धीरे धीरे इसके टाइम को बढ़ाएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हम लोग करेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।